शुभ करता विघ्न विनाशन गणेश लीला गणेश लीला। मैं सत्य हूँ, मेरी प्रतिष्ठा को मानने वालों को किसी भी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही कोई बाधा उसे आगे बढ़ने से रोक पाती है। मैं उदारता व पूर्ण स्वीकृति का प्रतीक हूं और कर्तव्य निष्ठ प्राणियों को संरक्षण भी मैं ही प्रदान करता हूं। असुरराज त्रिपुरासुर की, त्रिलोक विजय त्रिपुरासुर की, असुरराज त्रिपुरासुर की, देवाधिदेव महादेव की, भगवान विष्णु की, परमपिता ब्रह्मा जी की, त्रिलोक विजय त्रिपुरासुर की, असुरराज त्रिपुरासुर की, त्रिलोक विजय त्रिपुरासुर की, महाबली त्रिपुरासुर की, महाबली त्रिपुरासुर की, त्रिलोक विजय त्रिपुरासुर की। हे शंकर, तू अब भी हमें वो प्राचीन मूर्ति दे दे। मूर्ति प्राप्त करने पर असुर सेना वापस लौट जाएगी और तू चैन से मंदारगिरी पर्वत पर अपना जीवन व्यतीत करना। मूर्ख त्रिपुरासुर, तुम शक्ति के मद में अंधे हो रहे हो। तुम जानते नहीं, समस्त कैलाश वासियों द्वारा पूजी जाने वाली वो मूर्ति तुम्हें नहीं दी जा सकती। तुम असुरों को विनाश से बचाना चाहते हो तो यहाँ से शांतिपूर्वक लौट जाओ। असुर सेना विजय श्री प्राप्त किए बिना अपने स्थान पर नहीं लौटती। शंकर, आक्रमण आक्रमण। त्रिपुरासुर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते शिव, कुछ नहीं। Ha 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 ha
असुर सेना और उसकी शक्ति के सामने देवता भी नहीं टिक पाए। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, शिव सब मैदान छोड़कर भाग गए। जो देवता तुमने बंदी बनाए हैं उनके साथ युद्ध नीति का व्यवहार किया जाए। अब मुख्य कार्य रह गया है गणेश की प्राचीन मूर्ति ढूंढने का। मेरे वीर सैनिकों, मेरा आदेश है, जाओ और चारों दिशा में फैल जाओ और हमें वो मूर्ति ला कर दो, ताकि वो मूर्ति हम अपने अतिथि को भेंट करके अपना धर्म निभा सकें। असुरराज त्रिपुरासुर की जय। त्रिलोक विजय त्रिपुरासुर की जय। त्रिलोक विजय त्रिपुरासुर की जय। असुरराज त्रिपुरासुर की जय। त्रिलोक विजय त्रिपुरासुर की जय। महाबली त्रिपुरासुर की जय। त्रिपुरासुर के आदेश पर असुर सैनिक श्री गणेश की प्राचीन मूर्ति ढूंढने के लिए चारों तरफ फैल गए। उधर पराजय के पश्चात देवतागण एक पर्वत गुफा में एकत्र होकर आपसी विचार विमर्श करने लगे। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? हमारी समस्त देवसेना उस दुर्दांत त्रिपुरासुर के सामने हार गई। त्रिपुरासुर इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? ये रहस्य समझ के परे है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम महादेव। आप सब देवतागण यही सोचकर चिंतित है ना कि त्रिपुरासुर इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? हाँ देव ऋषि, आप सूचना वाहक ही नहीं अच्छे परामर्शदाता भी हैं। हारे हुए देवगण किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो गए हैं। अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे उस दुर्दांत त्रिपुरासुर का अंत किया जा सके। हे महादेव, त्रिपुरासुर के समक्ष देव सेना की हार असुर शक्ति के कारण नहीं अपितु अपनी भूल और वचन भंग के कारण हुई है। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? हे महादेव, युद्ध मैदान में उतरने से पूर्व आप में से किसी ने भी ना तो श्री गणेश का पूजन किया और ना ही स्मरण ही। प्रथम पूज्य श्री गणेश को मनाए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। नारायण नारायण। और आप सबको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि भगवान श्री गणेश से वरदान पाकर ही त्रिपुरासुर अजय और शक्तिशाली बना है। मेरी विनती है आप सभी देवगणों से कि आप श्री गणेश की पूजन वंदना करें। त्रिपुरासुर को समाप्त करने में आप अवश्य ही सफल होंगे। असुर राज की जय हो। सेनापति ने संदेश भिजवाया है, गणेश जी की प्राचीन मूर्ति मिल गई है। तो तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? कई सैनिकों का बल लगाने के बाद भी वो मूर्ति टस से मस नहीं हुई। अच्छा, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। सेनापति को सूचित किया जाए, हम स्वयं जाएंगे और अपने हाथों से उस मूर्ति को उठाकर लाएंगे। जो आज्ञा। Shit.
देवो, मैं तुम्हारी पूजा आराधना से प्रसन्न हूं। अपना मन चाह वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। हे आदि विनायक, हम सब देवों की अपनी कोई मनोकामना नहीं है, हमने तो त्रिलोक के कल्याण के लिए ही आपकी आराधना की है। दैत्यराज त्रिपासुर के अत्याचार से समस्त त्रिलोकी त्राही त्राही कर रहे हैं, उसके समक्ष युद्ध में देवगण टिक न सके। आप कृपा कर ऐसा वरदान दीजिए कि दुष्ट त्रिपुरासुर का संहार हो सके। देवताओं, त्रिपुरासुर केवल महादेव के त्रिशूल से ही मारा जा सकता है। मेरा स्मरण करते हुए, मेरे महामंत्र को जपते हुए जब महादेव त्रिशूल का संधान करेंगे, तब वो अपने तीनों पुरों के साथ नष्ट हो जाएगा। महाबले त्रिपुरासुर के, महाबले त्रिपुरासुर के, महाबले त्रिपुरासुर के। अच्छा, तो ये है वो प्राचीन मूर्ति। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, प्राचीन मूर्ति और देवता इस तरह अदृश्य हो गए जैसे वो कभी हमारे साथ थे ही नहीं। अवश्य अवश्य देवताओं की कोई ना कोई चाल होगी। वीर सैनिकों, शीघ्रता करो और जल्द से जल्द अपने स्थान पर पहुंचने की चेष्टा करो। चलो। Ha 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 ha
देवादिदेव महादेव की, भगवान विष्णु की।